नमस्ते दोस्तों, मैं कृष्णकांत सिन्हा फिर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं मेरे इस चैनल में। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबका बहुत 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 आभारी हूँ। और अगर आप नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप लोग के लिए लाता हूँ, ये बहुत सारे न्यूट्रिशनल वीडियोस आप लोग के लिए लाता हूँ। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी 100 से ऊपर, 100 से ऊपर वीडियोस दिया हुआ है, न्यूट्रिशन के ऊपर दिया हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियो दिया हुआ है, आपका मोटिवेशन के ऊपर वीडियो दिया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। आपका बहुत काम का वहां पर वीडियो हो सकता है, आपकी बहुत मदद हो सकती है। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वो है इस किताब की। ये एक मेरे दोस्त ने कमेंट करके लिखा था कि उनको आंखों के प्रॉब्लम में न्यूट्रिशन का कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, इसके लिए उन्होंने वीडियो बनाने के लिए बोला है, तो इसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सबकी भी मदद हो जाएगी। तो आज हम फिर से इस किताब का जिक्र करने वाले हैं, व्हाट ए डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन, मैं बी किलिंग यू। डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड का बुक है। ये किताब में डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड ने आंखों की प्रॉब्लम्स के लिए कुछ सॉल्यूशन बताया है जो हमेशा के लिए आपकी आंखों की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। बहुत सारे लोगों में ये दिखाई देता है कि बच्चों को भी आंखों की प्रॉब्लम है, बड़ों को होता तो है ही, बच्चों को भी है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, जड़ क्या है, जड़ जो है वो आपको किताब पढ़ने से ही पता चलेगा। इस किताब को अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ले सकते हैं डायरेक्टली। इसको पढ़िएगा तो आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं इसका तकरीबन 7 7 चैप्टर में ये किताब है, ये सॉरी ये टॉपिक से आंखों का प्रॉब्लम का जो है, ये इतना ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कुछ अच्छी अच्छी टिप्स मैं आप लोगों को दे सकता हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। तो ये बोल रहे हैं कि ज्यादातर आंखों की प्रॉब्लम्स के जो है रूट जो है, जड़ जो है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ये होता है, और एंटीऑक्सीडेंट की कमी से, इसके साथ विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी से भी होता है, ये तीन चीजें होता है। तो अभी हम लोग के अंदर में विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी से होती है, एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो ये जो है जड़ जो है, अभी डॉक्टर साहब बताते हैं ज्यादातर लोगों में कि अधिक उम्र के लोगों में नेत्रहीनता का मुख्य कारण आयु संबंधित मैकुलर क्षय है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन डिजीज, एज रिलेटेड। ज्यादा उम्र होने के बाद, 40 साल से ऊपर होने के बाद ही आंखों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उम्र जब ज्यादा बढ़ती है तो वो बढ़ जाता है, लेकिन आजकल ये इम्पोर्टेंट बहुत चीज है कि बच्चों को भी ये हो रहा है। तो बच्चों को हो रहा है तो बच्चे तो अभी मतलब फूल रहे हैं, अभी उनका उम्र है दुनिया को देखने के लिए, तो इस उम्र में भी उन लोगों का ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो आपके घर में भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं या फिर आपके पड़ोसी में भी हो सकता है। हम लोग का दायित्व ये है कि हम लोगों को वो सब ठीक करना है। तो न्यूट्रिशन से ये 100% ठीक किया जा सकता है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। अगर आप हम अच्छी तरह से अगर न्यूट्रिशन लेते हैं तो ये 100% ठीक हो सकता है, ये बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। आने वाले कुछ सालों में भी डॉक्टर मोतियाबिंद से बचाव के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की सलाह देने लगेंगे। जैसे जैसे चिकित्सकीय प्रयोगों के नतीजे सामने आएंगे, हम विशेष एंटीऑक्सीडेंट तथा अन्य इनके सेवन के स्तर के बारे में अधिक जान पाएंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि अभी भी इस बारे में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है जिनसे मरीजों को अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित कर मोतियाबिंद की आशंकाओं को कम किया जा सकता है। मोतियाबिंद कैटरक्ट की जो समस्या है, जितने सारे लोगों को वो प्रॉब्लम होता है, तो इससे बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की बहुत जरूरत है। अभी क्या क्या एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, क्या क्या विटामिन चाहिए, क्या क्या मिनरल्स चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा, इन्होंने बताया है यहाँ पर। ये फिर बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और खनिज के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी पैदा कर दी है। इसी कारण अधिक उम्र में होने वाले आंखों की बीमारियों को रोकने और इलाज में भी इनका इस्तेमाल होने लगा है। इन दिनों अलग अलग केंद्रों पर हम कम से कम 6 बड़े चिकित्सकीय प्रयोग किए जा रहे हैं जिनमें निम्न बीमारियों पर अतिरिक्त पोषक तत्वों की सावधानी पूर्वक उपयोग का अध्ययन किया जा रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया है एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर, आंखों की प्रॉब्लम में एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है इसके ऊपर रिसर्च किया है। उन्होंने इतने सारे किताबें पढ़ी है, खुद वो डॉक्टर हैं, उन्होंने खुद इसके ऊपर रिसर्च किया और ये इन्होंने लिखा है। इन्होंने 2 3 मरीजों का यहाँ पर जिक्र किया, उन लोगों की स्टोरी भी यहाँ पर बताया है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि उनकी जो बताया कि एंटीऑक्सीडेंट को लेकर उनकी जो मरीज जो है वो ठीक हो गए बिल्कुल। तो दोस्तों, सबसे पहले बोलते हैं
अंगूर के बीज का अर्क, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, और बोलते हैं अर्क के साथ शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स टैबलेट लेना जरूरी है। पहला तो चीज मिनरल्स, विटामिन्स और आपका एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट में सबसे हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है आपका ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, इन्होंने बोला है। अभी नॉट ओनली ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ये बोलते हैं विटामिन ई, अल्फा लिपोइक एसिड और बीटा कैरोटीन, ये भी काम आता है। अभी इन सब की कमी की वजह से भी होता है, ये बोले डॉक्टर साहब बोले हैं। यहाँ पर देखिए कई अध्ययनों से पता चला है कि मैकुलर क्षय से पीड़ित लोगों में सामान्य लोगों की तुलना में जिंक, सेलेनियम, विटामिन सी, कैरोटोनाइड्स तथा विटामिन ई की मात्रा कम पाई जाती है। ये जो चीज है, इन सब की कमी से भी आंखों की प्रॉब्लम्स होती है, एज रिलेटेड डिजेनरेशन डिजीज। तो ये जो है, अभी हम बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने कौन सा न्यूट्रिशन बोला है इसमें इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले मैं एक और चीज बता दूं, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए आंखों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। इन्होंने बोला है कि हम जब बाहर निकलते हैं, धूप में जब निकलते हैं, तो कम से कम आंखों में एक सनग्लास जरूर रहना चाहिए, क्योंकि आज जो धूप जो है वो हम लोग की आंखों में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज है, इन्होंने बोला है कि आपका जो हरी जो सब्जियां होती है, पत्ता जो होता है, ये पत्ती जो सब्जियां, उन सबको थोड़ा खाने में ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए, ये आंखों की प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा कारगर है। ये हम सबको पता होता है लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हम लोगों को पसंद नहीं आता, ये पत्ता कौन दे रहा है, पत्ता कौन खाएगा, ऐसा करते हैं। मैं भी ज्यादातर पहले ऐसा करता था, लेकिन आजकल नहीं, काफी दिनों से, 1 साल से तकरीबन, मैं बहुत इन सब चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता हूँ। हरी पत्तियों का सलाद बना लेता हूँ, सलाद बना के वो खा लेते हैं। कुछ केबेज दे दिया, कुछ आपका पुदीना दे दिया, कुछ और भी बहुत कुछ जो होता है, उन सबको मिला के एक सलाद बना लेते हैं, वो खा लेते हैं कभी कभार। तो ये ट्राई कर लेना चाहिए, ये आप ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद बोला है कैरोट्स, कैरोट्स भी बहुत अच्छा होता है आंखों के लिए। फिर बोला है कुछ विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स लेना हम लोग को बहुत जरूरी है। इन्होंने बोला है सबसे पहले ल्यूटीन, ल्यूटीन आंखों की सुरक्षा में मदद करता है। ल्यूटीन बहुत अच्छा एक चीज है जो आंखों की प्रॉब्लम्स में, आंखों की जो प्रॉब्लम्स को दूर करने में बहुत मदद करता है, आंखों को प्रोटेक्ट कर रखता है ल्यूटीन। ये बहुत ही अच्छा होता है आंखों के लिए। और यहाँ पर बोला गया है विटामिन सी, सबसे पहले विटामिन सी, जिन लोगों में विटामिन सी का स्तर कम होता है उनमें आयु संबंधित मैकुलर क्षय की आशंका बढ़ जाती है। आंख के भीतर पाए जाने वाले द्रव एक्वियस जूमर में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और यह रेटिना के लिए एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट होता है। अध्ययन बताते हैं कि विटामिन सी के अतिरिक्त तत्व के सेवन से आयु संबंधित मैकुलर क्षय को कम किया जा सकता है। यह इस विटामिन में विटामिन ई और कोशिका के भीतर बनने वाले शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन के पुनर्निर्माण की क्षमता भी होती है। विटामिन सी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई मैकुलर क्षय के मरीजों में आंख के मैकुलर क्षेत्र में विटामिन ई का कम मात्रा में पाया जाता है। इसी क्षेत्र में उच्च ऊर्जा वाला प्रकाश अत्यधिक मात्रा में स्वतंत्र तत्वों का निर्माण कर फोटोरिसेप्टर को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि विटामिन ई आंख के भीतर मौजूद मुख्य एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक अहम किरदार निभाता है। विटामिन ई भी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। जब कोई मरीज विटामिन ई को अतिरिक्त पोषक तत्व के रूप में लेता है तो वह मैकुलर क्षय के विकसित होने से सुरक्षा पा जाता है। जो आई जो है डिजेनरेटिव एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जो प्रॉब्लम्स जो है उससे ये छुटकारा पा जाता है, जब वो विटामिन ई को ज्यादा मात्रा में लेना शुरू कर देता है। कोएंजाइम Q10, कोएंजाइम Q10 फैट में घुलनशील एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह पोषक तत्व पूरे शरीर में फैट से सुरक्षा प्रदान करता है। आंख के रेटिना का एक बड़ा हिस्सा जो फैट का बना होता है वो भी उसका अपवाद नहीं है। मैकुलर क्षय के मरीजों में कोक्यूटेन की मात्रा कम पाई जाती है। जो लोग कोक्यूटेन की सामान्य मात्रा जिन मरीजों में कोक्यूटेन की सामान्य मात्रा पाई जाती है उनमें अत्यधिक स्वतंत्र तत्वों के कारण हुए ऑक्सीडेटिव क्षय के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उससे जो आपका आंखों में जो प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स होता है, आंखों में जो जो डिफिकल्टीज आती है, उससे ये कॉन्जनक्यूटन बहुत ही अच्छा प्रोटेक्ट करता है। ये कॉन्जनक्यूटन आंखों के लिए बहुत जरूरी है बोला है। फिर बोला है ग्लूटोथियोन। ग्लूटोथियोन भी बहुत जरूरी होता है। ग्लूटोथियोन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। आंखों में लेंस के साथ साथ रेटिना की फोटोरिसेप्टर कोशिकाओं और पिगमेंट के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। अध्ययन बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में ग्लूटोथियोन का स्तर कम हो जाता है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि आंखों में बीमारी बढ़ने और उम्र बढ़ने में कोई संबंध जरूर है। उम्र जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही आंखों का प्रॉब्लम बढ़ता ही जाता है। तो आंखों के प्रॉब्लम को बढ़ने के लिए ऐसे कई अध्ययन किए गए हैं जिनमें आंख के लेंस और रेटिना में इस महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट का स्तर बढ़ने की कोशिश की गई है। तो ये ग्लूटाथियन भी बहुत जरूरी होता है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल्स एंड विटामिन्स भी जरूरी होता है आंखों के लिए ही। जिंक एंड सिलेनियम यहाँ पर बोला गया, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये कुछ आपका न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं खुद। कुछ आप अपने आप से भी इसको आंखों की प्रॉब्लम्स को, आंखों की जो समस्या है उसको भी दूर करने की कोशिश कीजिए। बच्चों का जो प्रॉब्लम्स है उन सब में आप ये न्यूट्रिशन दे सकते हैं। अगर ये न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो बच्चों वाला न्यूट्रिशन दीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो बड़ों का शायद मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन जो ये है ये ज्यादा बच्चे तो इतना ले नहीं पाएंगे, ये काफी वो होता है, पावर होता है इसमें। तो बच्चों का अगर कोई न्यूट्रिशन अगर मिलता है इन सब चीजों में तो वो आप दे सकते हैं। दूसरी बात है, बच्चों को थोड़ा बहुत विटामिन्स एंड मिनरल्स की बहुत जरूरत होता है, मल्टी विटामिन्स की बहुत जरूरत होता है, तो उन सबको देने की कोशिश कीजिए। इससे उन लोगों को ये जो प्रॉब्लम है ये काफी हद तक दूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट देने की कोशिश कीजिए बच्चों को जितना एंटीऑक्सीडेंट देंगे उतना ही उन सबको ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को जो चश्मा लगा हुआ होता है, ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि चश्मा का जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक चला जाएगा, दूर हो सकता है, 100% बोला है। तो बहुत सारे इन्होंने दो मरीजों का यहाँ पर जिक्र किया है, दो मरीजों का इन्होंने ट्रीटमेंट किया, उन लोगों का जो आंखों का प्रॉब्लम चश्मा लगाया था उनको उन्होंने उतार दिया है। तो ये जो आज मैंने वीडियो दिया है आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, मुझे पता है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। और इस वीडियो को आप अपने शेयर कीजिए, आप अपने पड़ोसियों को शेयर कीजिए, आप अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। आप खुद अगर इस प्रॉब्लम से भुगत रहे हैं तो प्लीज इन सबको आप इस्तेमाल में लाइए। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लाता हूँ और लाता ही रहूंगा, ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और एक जरूरी बात, मेरा जो है न्यूट्रिशन के ऊपर एक मेरा ब्लॉग भी है, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं कुछ अगर पढ़ना चाहे तो। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।